सेम टू का हमारा यह पहला दिन है और सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 9 भाषा सज्जता जो कि ग्रामेटिकल टॉपिक में इसमें कृदंत का यानी कि पार्टिसिपल वो हम पहले हम सीखेंगे है ना। तो कृदंत मीन्स पार्टिसिपल्स ओके। तो पार्टिसिपल्स किसे क्या करें तो कृत अंते यस्य कृदंतम कृत अंते अंते यानी के पीछे अंत में यस्य जिसके अंत में कृत होता है कृत प्रत्यय जुड़ता है उसे कृदंत कहते हैं। क्लियर। जो वर्ड होता है जो धातु होती है धातु के अंत में उसके पीछे जब कृत जुड़ जाता है तब वह कृदंत बनता है ओके। तो वैसे तो कृदंत के 5 प्रकार है ना, लेकिन आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड में 3 प्रकार के कृदंत ही सीखने हैं जो कि आपको वापस स्टैंडर्ड 9th और 10th में रिवाइज होने वाले ओके। तो कौन से 3 कृदंत आपको सीखने हैं तो नंबर 1 संबंधक भूत कृदंत, भूत यानी के पास्ट, कृदंत यानी के पार्टिसिपल और संबंधक यानी के रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल। सेकेंड वन हेतवर्थ कृदंत, थर्ड वन विध्यर्थ कृदंत ओके। लेकिन कैसे जाने कि यह कृदंत जब सेंटेंस आए एग्जाम में और यदि हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से कृदंत कौन सा है वह पहचानिए और लिखिए। तो कैसे पहचाने कि ये कृदंत कौन सा है, किस तरह से पहचान सकते हैं, तो वो आज हम सीखने वाले हैं है ना। तो वैसे तो कृदंत जो वर्ब होता है जो एक्शन वर्ड होता है उससे पहचाने जाते हैं ओके। क्योंकि जो प्रत्यय जुड़ जाता है वह वर्ब फॉर्म के साथ जुड़ता है यानी कि जो धातु होती है संस्कृत में उसे धातु कहते हैं, धातु के साथ प्रत्यय यानी कि सफिक्स जुड़ जाता है तो वह कृदंत बनता है। लेकिन सारे ये जो 3 प्रकार के कृदंत है उसमें जुड़ने वाले सफिक्स अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि फर्स्ट वन संबंधक भूत कृदंत तो उसमें जो धातु रूप है धातु रूप के पीछे कौन से सफिक्स जुड़ेंगे त्वा त्य य ओके। जैसे कि गम तो उससे हमने यहाँ पर लिखा गत्वा तो यहाँ पर धातु के पीछे त्वा सफिक्स जुड़ा है तो उससे हमें पता चलेगा कि यह गत्वा जो है तो त्वा सफिक्स किसका कौन से संबंधक कौन से कृदंत को इंडिकेट करता है, संबंधक भूत कृदंत को इंडिकेट करता है ना। तो इससे हम पहचान सकते हैं। उसी प्रकार हेतुवर्थ कृदंत तो उसका सफिक्स है तुम ओके। जैसे एक गम तो गत्वा हुआ तो यहाँ गंतुम ओके। तो आपने देखा यहाँ पर भी पीछे जुड़ा है सफिक्स और यहाँ पर भी पीछे जुड़ा है। तो जैसे धातु के पीछे तुम जुड़ता है तो वैसे ही हमें पता चल जाता है कि यह कौन सा कृदंत इंडिकेट करता है, हेतुवर्थ कृदंत को इंडिकेट करता है ना। और लास्ट में है विद्यर्थ कृदंत तो तव्य जैसे के गन गंतव्य तो तव्य आई बात समझ में। तो इस तरह से कृदंत को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए कृदंत को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या याद रखना है, ये सारे सफिक्सेस हमें याद रखने ताकि हम इजीली कृदंत को पहचान सके उसे आइडेंटिफाई कर सके है ना। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए हैं। नंबर 1 सीता शालाम गत्वा अभ्यासम करोति, आफ्टर गोइंग टू स्कूल सीता स्टडी बराबर स्कूल में जाके वह अभ्यास करती है स्टडी करती है ना। जाने के बाद तो जो संबंधक भूत कृदंत होते हैं वहां पर 2 एक्शन हमें दिखाई देते हैं, एक एक्शन कंप्लीट होती है कि तुरंत दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है ना। तो जैसे कि हमने सेम 1 में सीखे थे वर्तमान काल परस्मैपद रूपाणि
जैसे नाइट में जाओगे तो वैसे तो हमारे थ्री टेंसेस है, मेन है ना, वर्तमान, भूत और भविष्य। जैसे कि वर्तमान काल के हमने एक ही सीखे हैं रूप, वर्तमान काल परस में पद के ही रूप हमने सीखे हैं, याद है आपको, मी वह मह सी थह थ टी तह अंधी, वो परस में पद के है। आगे आप जाओगे तो आत्मने पद के भी आएंगे, उसी प्रकार भूतकाल के भी आएंगे परस में पद और आत्मने पद के आएंगे, उसी प्रकार भविष्य काल के आएंगे परस में पद और आत्मने पद के आएंगे, है ना। तो तीनों कालों के आपको एक काल के दो परस में पद और आत्मने पद, है ना, तो छह इस तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे। इसलिए वर्तमान काल परस में पद के रूप को आपको अच्छे से याद कर लेना है एक स्टैंडर्ड में ही, है ना, ताकि अगले साल आप इजीली बाकी सारे याद रख पाओ, ठीक है। तो सीता शालां गत्वा अभ्यासं करोति, यहाँ पर सीता है फेमिनिन जेंडर थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पर क्या आया, ती, करोति, क्रू धातु। सेम वन में आपको एक टेबल कंप्लीट करने के लिए दिया गया था, ओके, और रिवीजन में भी मैंने सिखाया था, टेक्स्ट बुक में से भी आपको दिखाया था कि इच दर्द बराबर उससे इच्छा हुआ और आपको बनाने थे इच्छा मी इच्छा वह इच्छा वह, याद है आपको, तो ये जो है रूट है जो मेन धातु है वो आपको याद रखना है, ओके, समझ में आई बात। तो यहाँ पर सीता शालां गत्वा अभ्यासं करोति, यहाँ पर कौन से दो वर्ब फॉर्म है वो पहले हमें ढूंढना है, एक तो करोति और दूसरा गत्वा, बराबर। करोति वो तो देखते ही समझ में आ जाता है, वर्तमान काल परस में पद थर्ड पर्सन फेमिनाइन जेंडर सिंग्युलर, बराबर छे, अहिया सीता छे एटले फेमिनाइन जेंडर आव्यु थर्ड पर्सन आव्यु, बराबर, और यहाँ पर टी सफिक्स जुड़ा क्रू के साथ करोति, बराबर। दूसरा कौन सा है वर्ब फॉर्म यहाँ पर, गत्वा, तो गम धातु, गम में क्या जुड़ा, गत्वा, तो यहाँ पर त्वा जो है वह कौन से कृदंत को दर्शाता है, संबंधक कृदंत, तो इस तरह से हम पहचान पाते हैं, आई बात समझ में। सेकेंड वन अहम गंतुम इच्छामि, अहम यहाँ पर है तो यहाँ पर मी ही होगा, मी वह मह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मी, ओके, इच्छ तो इच्छा मी क्योंकि यहाँ पर अहम है, ओके, अहम गंतुम इच्छामि आई वॉन्ट टू गो, बराबर, मैं जाना चाहता हूँ, तो गंतुम, तो तुम जो है ये सफिक्स कौन से कृदंत को दर्शाता है, हेतुवर्थ कृदंत को दर्शाता है, ओके। और थर्ड वन छात्रे ही वेदः पठितव्यः, बराबर, तो यहाँ पर वर्ब कौन सा है, पठितव्य, और तव्य जो सफिक्स जुड़ा है वह कौन से कृदंत को दर्शाता है, विद्यर्थ कृदंत, आई बात समझ में। अब टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 ओपन कीजिए सब, और वहां पर देखो रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल यानी के संबंधक भूत कृदंत को समझाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं। नंबर वन, सह शालां गत्वा अभ्यासं करोति, तो यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत कौन सा है, गत्वा। सेकेंड वन, सा पुस्तकालयं गत्वा पुस्तकं आनयति, आनयति मीन्स ब्रिंग, बराबर, तो यहाँ पर कौन सा सफिक्स है जुड़ा है, त्वा, ओके। और यहाँ पर थर्ड वन, शिक्षिका पुस्तकं पठित्वा कथां कथयति, तो त्वा, पठित्वा, तो त्वा सफिक्स से हमें पता चल जाता है कि यह कृदंत संबंधक भूत कृदंत है, ओके। ये सारे जो सेंटेंस है उसमें एक ही सफिक्स है त्वा,
ओके। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दूसरा सेंटेंस लिख के बताती हूँ, आपको ढूंढना है। ओके, पहले धातु रूप ढूंढना है, उसके बाद उसमें कौन सा सफिक्स जुड़ा है और वो सफिक्स कौन से क्रुदर को दर्शाता है वो आपको ढूंढना है, पहचानना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सुरेश जलम आनीय पीबत। सुरेश जलम आनीय पीबति। किसने ढूंढ लिया जी? आनीय। आनीय कैसे पहचाना आपने? यहाँ पर य जुड़ा है ना, इसलिए। लेकिन यहाँ पर आगे आ कैसे आया? आ जो है वह क्या है, पीछे जुड़ने वाले सारे प्रत्यय कहे जाते हैं, बराबर। इंग्लिश में उसे सफिक्स कहेंगे। ओके, और जो आगे जुड़ता है वो आप हिंदी में भी सीख चुके हो, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, जैसे कि पेज नंबर 33 वहां पर देखो गम, तो गत्वा। लेकिन आ प्लस गम, देखो आ प्लस गम, तो उसपे गम के आगे क्या जुड़ा है? आ। तो क्या हुआ? आगम्य। आई बात समझ में? सेकेंड वन देखो नित्वा, तो उसमें यदि उपसर्ग आ जोड़ते हैं तो आनीय। आनीय तो पीछे य हुआ, तो वह कौन सा कृदन दर्शाता है? रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल यानी कि संबंधक भूत कृदन को दर्शाता है। आई बात समझ में? प्रत्यय और उपसर्ग दोनों क्लियर। ओके, नीचे सेंटेंस दिए हैं मदर से सीट आफ्टर गोइंग देयर, तो माता वदती तत्र गत्वा उपविशतु। तत्र मीन्स देयर, गत्वा यानी के जाकर, वहां जाने के बाद है ना, आफ्टर गोइंग देयर उपविशतु यानी के बैठ जाओ। ओके, तो गत्वा तो वो कौन सा कृदंत है? संबंधक भूत कृदंत। ही वेंट आउट आफ्टर राइटिंग द लेटर, तो ही मीन्स सह। ओके, वेंट आउट एवं छे, आउट यानी के बही, जाना यानी के गच्छति, लेकिन यहां पर वेंट है यानी कि कौन सा टेंस है? ये है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को किस तरह से पहचानते हैं? पहचानते हैं हम, तो जो भी धातु रूप है उसके आगे अल जुड़ जाता है। ओके, गच्छति तो यहाँ पर अ क्या लिखा है? तो गच्छत, गच्छत बराबर अ गच्छत। तो यहाँ पर जो धातु रूप है उसके आगे अ जुड़ चुका है ना, तो वहां से हमें पता चलता है कि ये जो धातु रूप है वह पास्ट टेंस का है ना। तो सह पत्रम लिखित्वा बहिनी अगच्छत। ओके, शी केम टू द विलेज आफ्टर बीइंग विनर। केम ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो जाना उसके लिए गच्छति, लेकिन आना उसके लिए आगच्छत है ना। तो यहाँ पर सा विजयिनी भूत्वा, विजय होकर ग्रामम आगच्छ। ओके, तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 33, नाउ एड त्वा सफिक्स टू द फॉलोइंग। तो नम है तो यहाँ पर दिया गया है फॉर एग्जाम्पल नत्वा, नी है तो नित्वा, गण है तो गणयित्वा। याद रखना है गणयित्वा। ओके, उसी प्रकार गम है तो आप लिखते रहोगे टेक्स्ट बुक में, गम है तो गत्वा,
ओके मन है तो मत्वा फिर क्रू है तो कृत्वा क्रू मेन रूट छे एना ऊपर की करोति आपणे એવું બોલીએ છીએ કરોમી બરાબર फिर नी का वनित्वा तो जी का जीतवा शुरू का यहाँ पर दिया है श्रुत्वा दृश्य धातु उससे हुआ दृष्टवा ओके फिर गण तो गणयित्वा तो रच है तो उसका क्या होगा रचयित्वा रचयित्वा ओके और दाका है दत्वा ओके दाका दत्वा चलो यहाँ पर है नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू संस्कृत तो ये किस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं संस्कृत में वो अब हम सीखने वाले हैं एग्जाम में आ सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस ट्रांसलेट इनटू संस्कृत या फिर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ओके देखिए क्या लिखा है कृष्ण प्रसाद टॉक्स आफ्टर गोइंग टू ऑफिस ओके तो किस तरह से हम लिखेंगे तो क्या करना है सबसे इजीली कौन सा है यहाँ पर मैं लिखने जा रही हूँ पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिखने जा रही हूँ कृष्ण प्रसाद टॉक्स आफ्टर गोइंग टू ऑफिस बराबर तो सबसे पहले आपको क्या करना है कृष्णा प्रसाद तो कृष्णा प्रसाद ही रहेगा हाँ टॉक्स हमने सेम वन में चैप्टर नंबर 8 में सीखा था सार्ध 9 वादनतः 10 वाद पर्यंतम जनेन वार्तालापम करोमि सीखा था ना तो टॉक्स यानी कि यहाँ पर वार्तालाप बराबर तो यहाँ पर लिखेंगे वार्तालापम बराबर आफ्टर गोइंग तो क्या होगा गम का गत्वा ऑफिस यानी कि टू ऑफिस तो ऑफिस को क्या कहेंगे हम संस्कृत में कार्यालय क्या कहेंगे कार्यालय तो यहाँ पर टू ऑफिस को कार्यालय क्या हुआ कार्यालय ओके आप बचपन से सीखते आ रहे हो कि जंबल वर्ड दिए गए हैं उसे हमें प्रॉपर सेंटेंस में अरेंज कर देंगे या बचपन से सीख रहे हो तो यही करना है इसमें तो क्या लिखेंगे पहले कृष्ण प्रसाद कार्यालय गत्वा वार्तालापम करो टी वेरी गुड आया समझ में कंप्लीटली सेकेंड वन राधिका इज हैप्पी आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग राधिका तो राधिका ही कहेगी ओके हैप्पी यानी के खुश उसके लिए क्या कहेंगे संस्कृत में आनंदम ओके वो हम फील करते हैं तो क्या करेंगे अनुभवती आनंदम अनुभवती है ना आफ्टर लिसनिंग तो श्रू धातु है तो उसे आफ्टर लिसनिंग आया तो कौन सा कृदन संबंधक भूत कृदन तो क्रू में क्या सफिक्स जुड़ेगा कृत्वा ओके यहाँ पर लिसन है तो श्रू है तो क्या होगा श्रुत्वा बराबर द सॉन्ग सॉन्ग के लिए गीतम तो अब बोलिए सेंटेंस अरेंज करके राधिका गीतम श्रुत्वा आनंदम अनुभवती एग्जैक्टली ओके राधिका गीतम श्रुत्वा आनंदम अनुभवती थर्ड वन
आई टेक मिल्क आफ्टर टेकिंग बाथ, यानी कि क्या कहना चाहता है कि मैं नहाने के बाद, स्नान करने के बाद दूध पीता हूँ, बराबर पीता हूँ, उसके लिए बराबर। तो क्या होगा उसमें, कौन सा सफिक्स जुड़ेगा, पित्वा सफिक्स जुड़ेगा, आई मीन्स अहम, ओके। टेक यानी कि यहाँ पर ड्रिंक ऐसा समझना है, यानी कि पीने पीने की बात कही गई है, तो पित्वा। मिल्क यानी के दुग्धम, ओके। टेकिंग बाथ यानी कि स्नान करोती,